राजीव शर्मा हमारे एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा सचिवालय संघ के अध्यक्ष श्री पुत्री प्रकाश शर्मा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजारी और बुजुर्गो नौजवान दोस्तों मेरी माता बहनों सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं वंदन करता हूं आप सभी को मैं नमन करता हूं। और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं माननीय अध्यक्ष जी को और उनकी टीम को कि उन्होंने इस तरह का आयोजन किया है। इस आयोजन के माध्यम से एक हमारे समाज के अंदर भाईचारा पैदा होता है, सुख दुख की बातें भी होती हैं और इसके अंदर जो आपने एक और अच्छा काम किया है कि हमारे वो बालक और वो बालिका जिन्होंने पढ़ाई के अंदर अपनी मेहनत से एक अच्छे नंबर ला करके अच्छे अंक ला करके उन्होंने समाज का गांव का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है उन्हें भी सम्मानित करने का काम आप लोगों ने किया है। क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में प्रतिभावान ऐसे छात्र और छात्राएं उनके अंदर एक स्पर्धा की स्थिति बनती है और वो उस स्पर्धा के माध्यम से अच्छा काम करते हैं। इस विशाल सामूहिक कोट एवं प्रतिभा सम्मान में आपने जो ये कार्यक्रम किया उसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूं। क्योंकि सिद्धपीठ बैनाड़ा धाम या हरित ऋषि को भी नमन करता हूं जिन्होंने एक समाज को अच्छी दिशा देने का काम किया। उनके चले बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा समाज के अंदर एक भाईचारा सांस्कृतिक आदान प्रदान और हमारे समाज किस तरह से उत्कृष्ट बने हम सभी समाजों को साथ लेकर के कैसे चल सकते हैं हम और दरिद्र नारायण गरीब पिछड़ा हुआ अंतिम पंक्ति में हुए बैठे को उस व्यक्ति को कैसे सारा दे करके हम आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे ऋषि मुनि हमेशा यही कहते हैं कि समाज के अंदर पांच उंगली बराबर नहीं होती है लेकिन हम सभी का दायित्व बनता है ऐसे उन लोगों को हम समाज में आगे बढ़ाने का काम करें उनको आगे ला करके उनको जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं में सहयोग देते हुए उनको मजबूत बनाने का काम ये हमारे समाज का दायित्व है। हम सभी क्योंकि यह समाज अग्रणी समाज है और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सबका दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है समाज के हर तबके को लेकर के हर किसी समाज को कोई भी समाज में हो उन लोगों को सहयोग करते हुए आपसी समन्वय करते हुए उनको भी आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। आपने देखा है हम राष्ट्र की मजबूती के लिए हम देश की मजबूती के लिए हम समाज की मजबूती के लिए काम करते हैं और जब हम काम करते हैं लगन से करते हैं अनुशासन के साथ काम करते हैं तो कई बातें हमारे सामने आती हैं। कभी हमारा यह समाज जातिवाद नहीं रहा कभी इन्होंने किसी जाति से परहेज नहीं किया सभी जातियों का सम्मान करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कोई भी समाज हो जिसमें आवश्यकता है हम सबको मिलकर के हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है
हमारे जिले को आगे बढ़ाना है। हर समाज का व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उस सबको आगे बढ़ाते हुए हमें काम करना है। ये हरियाणा गौर ब्राह्मण समाज हमेशा इस तरह के कार्यक्रम करता है। मेरे को पहले भी आमंत्रित किया था लेकिन समय अभाव के कारण मैं नहीं आ पाया। मेरे को बीच में एक कार्यक्रम वृद्धि चंदी ने रखा था घर पर, उसमें भी मैं नहीं आ पाया। आपने कहा मेरे से, मैंने कहा निश्चित रूप से मैं आऊंगा। आज भी मुझे अभी निकलना है लेकिन मैंने आपसे कहा कि उन्होंने 1 बजे का समय दिया था। कल जब मैं जापान से वापस आया तो ये सभी लोग मिले, मैंने कहा सुबह जल्दी कार्यक्रम कर लीजिए। मैंने इनको आधा पौन घंटा पहले बताया जिससे कि अगर मैं लेट भी थोड़ा सा आऊंगा तो आप जल्दी करेंगे तो मैं जल्दी मेरे काम के लिए निकल जाऊं। मैंने देखा है, आप सभी का काम भी देखा है, समाज के हर क्षेत्र में आप काम करते हैं। क्योंकि हरत ऋषि जी ने की संतान है, हरत ऋषि एक महान ऋषि थे जिन्होंने कृषि के महत्व को समझा, इसे धर्म का एक अंग बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि खेती करना सिर्फ रोजी रोटी कमाना नहीं है बल्कि एक पवित्र काम भी है, और हम उस खेती के माध्यम से हम अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि हम अन्नदाता हैं। और अन्नदाता होता है वो सभी का होता है, और वो अन्नदाता समाज में अन्न की पूर्ति करने का काम करता है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, किसान के मन में कोई पाप नहीं होता, किसान के मन में किसी तरह का दोष नहीं होता है। क्योंकि मैं भी किसान हूं, मैंने भी किसानगिरी की है, मैंने भी जानता हूं कि किसान की स्थिति क्या होती है। किसान की खेती वो होती है कि जब जानिए जब खलिहान से घर में आ जाए और नहीं उसको